नमस्कार जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। कल देश अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, इसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट है। इधर बिहार और झारखंड में समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद झंडा फहराएंगे, इसको लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। इधर औरंगाबाद में एनकाउंटर में नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने बिहार झारखंड बंद बुलाया है, इसको लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। तो पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर क्या खास तैयारी है, जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमित झा। तो नक्सली बंद को लेकर रांची सहित पूरे झारखंड में कैसा माहौल है, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा। इसके अलावा और बड़ी खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। झारखंड में नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है। नक्सली बंद को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। 8 जनवरी को औरंगाबाद एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सलियों के विरोध में बंद बुलाया गया है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, साथ ही ट्रेन में भी पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसी हफ्ते रांची में 5 राज्यों के साथ हुई बैठक में नक्सलियों के पूरे सफाए का प्लान बनाया गया था, जिसके बाद से नक्सली संगठन बौखलाए हुए हैं और किसी बड़े हमले की योजना भी बना रहे हैं। तो नक्सलियों का आज बिहार झारखंड बंद है। 8 जनवरी को औरंगाबाद में 4 नक्सली मारे गए थे। झारखंड का जो उत्तरी पलामू इलाका आता है, साथ ही साथ नॉर्थ छोटा नागपुर को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। नॉर्थ छोटा नागपुर का मतलब मुझे जो समझ में आता है, इनका कौलेश्वरी जोन है जो कि चतरा का अपर पार्ट है और गया से सीमा जो रखता है, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों इलाकों को तो अलर्ट किया ही है, एसपी चतरा एसपी पलामू को, साथ में एसपी लातेहार को भी। लेकिन हम लोगों ने ये माना है कि ये पूरे झारखंड में हम लोग अलर्ट रहें तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। धनबाद में भी नक्सली बंद और गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही सतर्कता बरतते हुए धनबाद से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाई जा रही है। छब्बीस जनवरी को देखते हुए और हाई अलर्ट नक्सलबंदी को देखते हुए हम लोग ट्रैक चेक कर रहे हैं और जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उससे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं पे कोई एक्सप्लोजिव हो या धनबाद डिवीजन सेफ है या नहीं है। इसी दृष्टि से हमारी ड्यूटी भी है और इसी को मद्देनजर रखते हैं हम ट्रेन जाने से पहले ट्रैक को ये सामान को चेक करते रहते हैं। और नक्सली बंद को लेकर किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है झारखंड में कितना अलर्ट देखने को मिल रहा है, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा, जो रांची से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि हाई अलर्ट जारी किया गया है, नक्सलियों का बिहार झारखंड बंद है, आज क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी ललिता, अगर नक्सलियों के बंद की बात करूं तो नक्सली जो पिछले दिनों जो 8 जनवरी को जो औरंगाबाद में जो पुलिस इनकाउंटर हुआ था उसके विरोध में इन्होंने बंद बुलाया है और बंद से जो बुलाया है उसमें झारखंड के जो जिले हैं जो बिहार से सटे हुए या बिहार की सीमा से सीमावर्ती जो जिले हैं, जैसे पलामू हो गए या फिर उत्तरी छोटा नागपुर के जिसमें चतरा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है पुलिस ने हाई अलर्ट कर रखा है कि किसी तरह की जो नक्सली जो है अप्रिय वारदात या अप्रिय घटना अंजाम नहीं दे दे, इसको लेकर के जो है झारखंड पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जो है सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है पिछले दो दिनों से, क्योंकि कल 26 जनवरी 67वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, तो इसको लेकर के भी जो है पुलिस जो है विशेष सतर्कता बरत रही है कि नक्सली जो है इस तरह की जो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो इन दिनों में जो है खासा उनकी रहती है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, इसको लेकर के पुलिस जो है पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। हर आने जाने वाले को जो है जांचा जा रहा है और जो जिले के सीमाएं हैं उनको जो है उन पे जो है विशेष चौकसी बरती जा रही है। जी
आशुतोष जानना चाहेंगे कि नक्सली एरिया की बात तो जरूरी है क्योंकि वहां पर सुरक्षा तो काफी जरूरी है, लेकिन अगर रांची की बात करें तो रांची में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, प्रशासन किस तरह से चौकस है वहां पर? जी, रांची की बात करूँ तो राजधानी जो है, राजधानी में जो गणतंत्र दिवस को लेकर के विशेष तैयारियां की जा रही है, विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर जो पॉइंट है उन पे जो है सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आईएसआईएस के जो कुछ जो मैसेज मिले थे, कोडिंग मैसेज, उसके आधार पर पुलिस ने जो है सतर्कता बढ़ती है, जिसमें 26 जिले की 26 जगहों पर जो हुआ था कहा जा रहा था कि वो जो है आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इसके मद्देनजर जो है पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। पिछले दो दिनों से पुलिस जो है होटलों में या फिर देर रात जो है चेकिंग अभियान राजधानी में चला रही है, और पुलिस का कहना है कि आने वाले दो दिन 26 जनवरी के बाद तक 27 जनवरी तक जो है ये अभियान चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस जो है विशेष या कहें कि पूरी तरह जो है एहतियात बरत रही है कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय वार्ता, चाहे नक्सल से संबंधित हो या फिर अन्य जो कहा जा रहा है जिस तरह से रांची में या झारखंड में कहे कि जिस तरह से आतंकवादियों के जो स्लीपर सेल्स की बात आ रही है, तो वो जो है किसी तरह की घटना को अंजाम न दें, इसको लेकर के विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आशुतोष, इन तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो पूरी तरह से अलर्ट पर है झारखंड और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था कर चुकी है। इधर बिहार में भी नक्सलियों के बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार। अमित, जानना चाहेंगे कि बिहार झारखंड का नक्सलियों का बंद है आज, इसको लेकर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं बिहार में? देखिए, नक्सलियों का जो बंद ने कॉल किया है नक्सलियों ने, उसको लेकर के एहतियाती कदम पहले से उठा लिए गए थे। कल 12 बजे रात से, मध्यरात्रि से अगर कहा जाए तो बंद जो है वो शुरू हो चुका है। जो 26-27 की मध्यरात्रि है उस तक ये बंद रहेगा, और इस दौरान नक्सली जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि अब तक कहीं से कोई ऐसा खबर नहीं आई है कि नक्सलियों ने कोई बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन नक्सलियों ने अपनी तरफ से तैयारी भी कर रखी है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक नक्सली जो है वो बड़े वारदात को अंजाम देने के मूड में है, लेकिन इधर भी अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो पुलिस प्रशासन ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। बिहार के 38 जिले में से 31 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीजी मुख्यालय जो है सुनील कुमार, उन्होंने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को दिशा निर्देश दिया है, गाइडलाइन जारी किया है कि वो किस तरह से सुरक्षा बरतेंगे। खासतौर पर गणतंत्र दिवस का अवसर है, तो इस दौरान कहीं भी कोई कोताही न रहे, सुरक्षा जो है वो 24 घंटे हो, पैनी नजर हो, इसको लेकर के जो गाइडलाइन है पुलिस मुख्यालय से वो जारी किया गया है। गश्ती बढ़ाने के आदेश दिया गया है, बॉर्डर जो इलाके हैं वहां पे एसएसबी के जवान वो लगातार सहयोग करते रहने की बात पुलिस मुख्यालय की ओर से कही गई है। लेकिन इन सबसे अलग अगर इतर बात कर ले पटना की, तो पटना में जो सुरक्षा है वो इस कदर की गई है कि परिंदा भी परिंदा मार सके, कोई सेनमारी न कर सके, और ड्रोन से गाने मिलान जहां पे ये कार्यक्रम होता है, बिहार के सम्मान में जो आयोजन होता है वहां पे ड्रोन से नजर रखने की बात कही गई है। एसएसपी के द्वारा डीआईजी खुद नजर बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, कुछ बिल्कुल कह सकते हैं कि नक्सली बंद को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने कर रखे हैं। अमित, इन जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। करते हैं दूसरी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 15 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। सभी विभाग की झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कारीगर झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पर्यटन विभाग नवरत्नगढ़ के इतिहास को झांकी के जरिए दिखाएगा, वहीं वन एवं पर्यावरण विभाग प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से झांकी दिखाएगा। जिला स्तरीय निर्णायक मंडली द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से झांकी के लिए कुल 16 झांकियों के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिसमें सीसीएल द्वारा जो है उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इस प्रकार अभी 16 गणतंत्र दिवस 2016 के अवसर पर मोराबादी मैदान में कुल 15 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी।
इस बार कुल 15 झांकियां निकाली जाएगी। झांकियों को अंतिम रूप देने में कलाकार पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस समारोह की ये तैयारियां हैं, जहां झांकी जो निकाली जाएगी वो मोरहाबादी मैदान में निकाली जाएगी। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस बार एरो मॉडलिंग शो गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। एनसीसी के एरो विंग की ओर से 3 मिनट तक डॉग फाइट शो प्रदर्शित किया जाएगा। इसको लेकर एनसीसी के एरो विंग के छात्र खासे उत्साहित हैं। हमारी एनसीसी की तरफ से दो तरह की यहाँ तैयारी है। एक तो आप देखेंगे मार्च पास होगा, ड्रिल जो होता है वो होगा, और दूसरा है ये हम लोग ये कंट्रोल लाइन का डॉग फाइट करेंगे। इसको बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल लाइन। बच्चे इसको क्या करेंगे, बीच में यूरिली के थ्रू पकड़ के रखेंगे और डॉग फाइट करेंगे। डॉग फाइट मीन्स लड़ाई करता है जहाज़, एक जहाज़ दूसरे जहाज से, तो उसको डॉग फाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे दो जहाज़ एक साथ में उड़ा के और उसका फ्लाइंग का दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक दूसरे जहाज को अटैक करेगा। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ ये कंट्रोल लाइन डॉग फाइट। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने इसे लगभग एक हफ्ते में इसे पूरा सीख लिया। हमारे सर फिरदौस आलम हमें इसके पूरी ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मनाया जाएगा। डीसी मनोज कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। रांची एसपी ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं डीसी ने बताया कि 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में इस बार 15 झांकियां निकाली जाएगी। इस जनवरी के लिए हम लोग आज ज्वाइंट फाइनल ब्रीफिंग अभी कर रहे थे, जिसमें जो भी फोर्सेस मैजिस्ट्रेट्स और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उनको हम लोगों ने ब्रीफ किया है किसका क्या रोल है, क्या जवाबदेही है। दो तरह का अरेंजमेंट हम लोगों को देखना होता है। एक तो जो मुख्य समारोह स्थल है यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, इसके अलावा पूरे टाउन में जो अरेंजमेंट होता है वो। पिछले एक वीक से हम लोग अलग अलग तरह का ड्राइव चला रहे हैं और हम लोग आगे भी अभी इस चीज़ को अगले दो दिन भी कंटिन्यू करेंगे। तैयारियां आज जैसे लगभग पूरी हो गई हैं। आज जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल जो है, सारे जो पैरेट की टुकड़ियां हैं और एरो मॉडलिंग शो जो होना है उसका किया गया। इसके अलावा झांकियां भी तैयार हो रही हैं। 15 विभागों की झांकियां जो है उस दिन प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें विभाग के फ्लैगशिप्स योजनाओं का उसमें प्रचार प्रसार जो है उन झांकियों के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। दुमका में सीएम रघुवर दास झंडा फहराएंगे। सीएम 25 जनवरी को ही दुमका पहुंच जाएंगे और उस दिन जामा प्रखंड के बिलकुपी गांव में योजना बनाओ अभियान में भाग लेंगे। कल देश अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट हैं। इधर बिहार और झारखंड में समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद झंडा फहराएंगे। इसको लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। वहीं इस मौके पर कई झांकियां भी निकाली जाएगी। और पटना के गांधी मैदान से सीधे जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमित झा। अमित, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी की गई है कल गणतंत्र दिवस को लेकर। जी ललिता, देखिए इंतजाम काफी अच्छे हैं। हम तस्वीर दिखलाना चाह रहे थे लेकिन मौसम साफ नहीं है, इसलिए दर्शकों से माफी चाहेंगे कि जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, वो हम नहीं दिखला पा रहे हैं। लेकिन जानकारियां हम जरूर दे ललिता अपने दर्शकों को कि कल गणतंत्र दिवस को लेकर कई गेट बनाए गए हैं। वीआईपी के लिए अलग गेट होंगे, आम नागरिकों के लिए अलग गेट होंगे, लेकिन सभी को अपना पहचान पत्र दिखलाना होगा। वहीं पे अलग अलग तरह के दीर्घा बने हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग दीर्घा के इंतजाम है, बच्चों के लिए अलग दीर्घा
सुरक्षा के इंतजाम है। 9 बजे राज्यपाल झंडा तोलन करेंगे, उससे 15 मिनट पहले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और 9 बजे राज्यपाल यहाँ पर झंडा तोलन करेंगे। उसके अलावा देखिए सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए ललिता, हम बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम इतने अच्छे और बेहतर किए गए हैं कि यहाँ पे एक अस्थायी गांधी मैदान थाना बना दिया गया है। अस्थायी रूप से गांधी मैदान थाना जो है यहाँ पर बना दिया गया है, जो 26 जनवरी को लेकर बनाया गया, सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। वहीं ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और सबसे खास बात है कि कई तरह की झांकियां तो निकाली ही जाएंगे। हमारे बाएं तरफ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं पर राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा जिसमें सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उसकी व्याख्या होगी और अब जो अगले एक साल तक जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, मेन कामकाज होगा, उसका व्याख्यान जो है वो राज्यपाल करेंगे। और उसमें जो सबसे अहम जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें सबसे अहम जो अभी नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की है वो भी मुख्य एजेंडे में रहेगा राज्यपाल के अभिभाषण में। तो तमाम तरह की तैयारियां हो गई है, सुरक्षा के करें इंतजाम है, तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। कल बेहतर प्रदर्शनी गांधी मैदान में देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल रामनाथ कोविंद झंडा फहराएंगे, इसको लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस मौके पर कई झांकियां भी कल देखने को मिलेगी आपको।